नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक और करंट अफेयर का टॉपिक, जिसमें आज दोस्तों हम बात करने वाले 1 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। दोस्तों क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है, और रेगुलर हम यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास लेके आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सकते हैं। तो क्लास की ओर बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आज हम 1 जुलाई 2023 का करंट अफेयर पढ़ रहे थे। 1 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ने में यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहां से क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। साथ ही दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो नवीनतम अपडेट्स के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें दोस्तों। और चलते हैं क्लास के मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। दोस्तों तो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर दोस्तों अग्रसर होना है और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किस भारतीय खिलाड़ी को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब किस भारतीय खिलाड़ी जो है उसको यहाँ पे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, सुमन गिल, विराट कोहली, मैरी कॉम और सचिन तेंदुलकर। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, सी अर्थात मैरी कॉम इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे ये इनका संबंध कहाँ से, मणिपुर से, मणिपुर से इसका संबंध कहाँ से, मैरी कॉम जी का संबंध कहाँ पे, मणिपुर से है। और ये दोस्तों क्या है, मुक्केबाजी, मुक्केबाज क्या है, ये मुक्केबाज क्या है, एथलेटिक्स यहाँ पे खिलाड़ी यहाँ है, क्या है, मुक्केबाज है। तो बात करते हैं ये मणिपुर से इनका संबंध है, और साथ ही ये क्या है, मुक्केबाजी है, स्पोर्ट्स या दोस्तों कह सकते हैं किस स्पोर्ट्स या खेल से इनका संबंध है। तो बात करते हैं मुक्केबाजी से इनका संबंध हो रही है। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों कहाँ पे आयोजित होता है, यूके इंडिया अवार्ड में इसका क्या दोस्तों यहाँ पे कार्यक्रम होता है, जिसमें ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, मैरी कॉम जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो एग्जाम के एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार मार्क लगाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस आईआईटी ने 149वीं रैंक हासिल की। दोस्तों यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, विश्व के जो विश्वविद्यालय है उनकी यहाँ पे रैंकिंग जारी की 2024 हेतु यहाँ पे। तो किस आईआईटी ने 149वीं रैंक हासिल की है, तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों 2023-24 के लिए दोस्तों यहाँ पे है, तो 2024 के लिए यहाँ पे रिपोर्ट जारी की गई, ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे श्रेष्ठ रहती हैं। तो इन्हीं में बात करते हैं, तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, आईआईटी मुंबई। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये बहुत आंसर यह मतलब आईआईटी मुंबई इसका क्या है, राइट आंसर होने वाला है, ये दोनों राइट आंसर होने वाले हैं यहाँ पे आईआईटी मुंबई। वैसे आईआईटी दूसरा छपने वाला था यहाँ पे, लेकिन आईआईटी मुंबई यहाँ पे दोनों पर प्रिंट हो गया, तो आप आईआईटी मुंबई दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर की, आईआईटी मुंबई ने 149वीं यहाँ पे रैंक प्राप्त की गई, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या है कि यहाँ पे 2024 की 149वीं रैंक दोस्तों आईआईटी मुंबई ने प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया गया है। तो बात करते हैं कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया गया है, तो केरल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होने वाला है। मध्य प्रदेश में क्या है, राष्ट्रीय स्किल सेल स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का क्या किया है दोस्तों यहाँ पे प्रारंभ किया गया है, मतलब राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया गया है, मध्य प्रदेश से किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, तो हाल ही में किस राज्य ने गो हत्या और बाल उत्पीड़न हेतु ऑपरेशन कॉन्वेंशन की शुरुआत की है, मतलब ऑपरेशन कॉन्विक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ऑपरेशन कॉन्विक्शन की बात हो रही है यहाँ पे शुरुआत की गई, जिसका संबंध किससे है, गो हत्या और दोस्तों यहाँ पे बाल उत्पीड़न या गो हत्या से है। तो किस राज्य द्वारा यह प्रारंभ किया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये पहल प्रारंभ की गई, ऑपरेशन कॉन्विक्शन किसके द्वारा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, इसका संबंध किससे है, गो हत्या से
और बाल उत्पीड़न से इसका क्या है संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो बात करते हैं उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका, राजस्थान में ये तरंग शक्ति युद्धाभ्यास किसके द्वारा होता है? यहाँ पे एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे दोस्तों इसका क्या होता है आयोजन किया जाता है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना या बोल सकते हैं एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स के द्वारा इसका क्या होता है आयोजन होता है। और ये दोस्तों क्या है, बहुपक्षीय तरंग शक्ति युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया, राजस्थान में किया गया। बात करते हैं यहाँ पे वायुसेना द्वारा अभी तक का दोस्तों, यहाँ पे वायुसेना अभी तक का सबसे दोस्तों यहाँ पे बड़ा दोस्तों अभी तक का वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय या क्या है युद्धाभ्यास है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं वायुसेना द्वारा राजस्थान में बहुपक्षीय तरंग शक्ति युद्धाभ्यास या अभ्यास प्रारंभ किया गया कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो हाल ही में किस राज्य, हाल ही में देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बात करते हैं लक्षद्वीप, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में हेमिस दोस्तों, हेमिस मठ महोत्सव का क्या किया गया आयोजन किया गया, हेमिस मठ महोत्सव का क्या किया गया आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे हेमिस जो राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी क्या जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है दोस्तों। यहाँ पे हेमिस जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में दोस्तों। यहाँ पे तो एग्जाम में सुनने वाला क्वेश्चन है कि हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया हेमिस मठ महोत्सव का। तो यहाँ पे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं तो ये भी जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो हाल ही में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है दोस्तों? यहाँ पे एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की बात, तो यहाँ पे एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम, तो ऑप्शन देखते हैं जर्मनी, दक्षिणी सूडान, भारत और ईरान। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, भारत इसका क्या रहता है वॉन विजेता रहता है यहाँ पे भारत। और जबकि उप विजेता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ईरान क्या रहता है उप विजेता, मतलब फाइनल मैच दोस्तों किन किन के मध्य होता है, फाइनल की बात होती है यहाँ पे, फाइनल भारत और किसके मध्य, ईरान के मध्य यहाँ पे फाइनल क्या होता है मैच का आयोजन किया जाता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो दोस्तों है 2023 वाली, उसका फाइनल भारत और ईरान के मध्य होता है, विजेता यहाँ पे भारत रहता है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है दक्षिणी कोरिया में दोस्तों इसका आयोजन होता है। और ये कौन सा संस्करण था एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का, 9वां संस्करण में यहाँ पे था, विजेता टीम भारत रहती है और उपविजेता कौन रहती है यहाँ पे ईरान रहता है। तो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो हाल ही में फीफा विश्व कप रैंकिंग में भारत को दोस्तों राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन सी रैंक यहाँ पे दोस्तों प्राप्त होती है? बात करते हैं 51वीं रैंक, 75वीं रैंक, 121वीं रैंक और 100वीं रैंक। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, 100वीं रैंक इसका राइट आंसर होने वाला है कि